लास्ट वीडियो में हमने जाना हाउ टू बिकम एन एंकर इन एमसी। हाय, दिस इज संध्या एंड यू आर वाचिंग इट्स संध्या निस। आई ऑलवेज शेयर दोस थिंग्स व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ एंड नाउ दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट द थिंग्स वी नीड टू प्रिपेयर बिफोर इवेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक ब्रीफिंग फ्रॉम आवर क्लाइंट। अब उनसे बात कीजिए और जानिए कि आखिर उन्हें एक एमसी एक एंकर चाहिए क्यों, क्या उनकी नीड्स है और क्या उनकी वांट्स है जो आपको फुलफिल करनी है। ऑलवेज ट्राई टू मीट योर क्लाइंट। आप उनसे मिलिए क्योंकि मिलने से पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है और आप खुद को, खुद की इमेज को उनकी मेमोरी में फिट करते हो। और अगर आपकी वाइब्स आपके क्लाइंट को पसंद आती है तो हो सकता है आप उनके परमानेंट एंकर भी बन जाएं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर डीलिंग कि आप अपने क्लाइंट से किस तरीके से डील करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। ऑलवेज प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट बाय योर सेल्फ ओनली। आप अपने इवेंट की जो स्क्रिप्टिंग है वो एक दिन पहले ही कर लें, सेम डे के लिए प्लीज ना रखें क्योंकि बहुत ज्यादा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने स्क्रिप्ट खुद लिखें, किसी और का कॉन्टेंट आप अपने स्क्रिप्ट में बिल्कुल ऐड नहीं करें। उससे होता क्या है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। जिसका कंटेंट आप उठा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट में डाल रहे हैं, अगर वो इंसान लिख सकता है तो आप भी लिख सकते हो। एंड आई एम श्योर यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव। इफ यू आर एन एंकर सो यू आर वेरी क्रिएटिव, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो ऑलवेज राइट योर स्क्रिप्ट बाय योरसेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ प्रेजेंटेशन। ये बहुत जरूरी है एंड लड़कियों का ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। हाउ टू ड्रेस अप योरसेल्फ, हेयर स्टाइल कैसा बनाना है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इवेंट पे कि आपके इवेंट की डिमांड क्या है। तो अगर आप वेडिंग होस्ट हैं तो आप कुछ एथनिक पहन सकते हैं हिंदुस्तानी सभ्यता और परंपरा को ध्यान रखते हुए। अगर कुछ गाला डिनर या कॉकटेल पार्टी जैसा आप होस्ट कर रहे हैं तो वेस्टर्न ड्रेस हो सकती है बहुत प्यारी सी, यू नो। सो हमेशा जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल है वो आपके इवेंट के अकॉर्डिंग रखें। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी, कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस। आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए क्योंकि आपको वहां बैठे हर एक व्यक्ति से आई कॉन्टैक्ट करना है। ऑल्सो वोकैबुलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप क्या बोलोगे। So always improve your vocabulary according to your events. हमेशा दो चार शब्द जो है वो आपके इवेंट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। And now guess what? You are all set for your event. Now you can go and you can host your event. Thank me later, huh? Yes, positivity हमेशा कैरी करें। And I am signing up here. And yes, always remember my life mantra. And that is life is beautiful.